हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली गाइस, कैसे अपने पब्लिक आई हो कि आप सब बड़े होंगे, बढ़िया रहना। मेरी दुआ आपके साथ और आपकी दुआ मेरे साथ है। तो गाइस, आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, थोड़ा सा लेट, अभी 12:10 हो रही है और सुबह उठ चुके हैं। हम चलते हैं, आज जुम्मा है तो नहाना धोना रहेगा। और गाइस, तुम्हें एक सरप्राइज दिखाते हैं, दिखाना तो पड़ेगा, बात न बनाया नहीं। सो गाइस, हमारी साइकिल आई थी, जो वाली नई वाली देख रहे हो, ये हमारी नई साइकिल है। भाई जुनेद इसमें लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं क्लिप्स, मैंने बहुत लगाई है ये। मैं भी पहले साइकिल लवर रह चुका हूँ, बट हमारे जुनेद भाई देख रहे हो चल चल थोड़ा दिखा दे, बस थोड़ा तो एक बार दिखा तो सही। देख ऊपर को, देख ऊपर को, देख ऊपर को। सो गाइस, तो इसके तो तीन निकास लिया, मतलब यूँ हमारा पेड़ ज़्यादा बढ़ रहा ना ऊपर के, तो इसके पीछे एक और पेड़ मतलब बकायन का, तो उसका काटना था छत पे। कल सुबह की बात है ना, हाँ कल सुबह की बात है, तो ये काटने तो गया, इसके तो इसके सत्तैया ने काट लिया। और हमारे भाई जुनेद का ये हाल कर दिया, उस तथैया को मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी, तुमने हमारे भाई जुनेद का काट लिया, हमारे भाई जुनेद की गर्दन भी सुझा दी तुमने तो गाइस ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी नहाते हैं, क्योंकि आज जुम्मा भी है, जुम्मा पढ़ना है, तो नहा धो के गाइस आपसे बातें करते हैं फिर। तो गाइस, हम नमाज पढ़कर आ चुके हैं और अभी लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह उठ के मैंने कुछ भी नहीं खा, तो एक केले खाए बात तक, उन्हें मतलब पता नहीं क्या हो रहा, भूख ही नहीं लगती। तो गाइस, जब भी मतलब खाना वाना खा कर निकलेंगे यहाँ से सीधा क्लब के लिए, क्योंकि आज मुझे अपना एडमिशन करवाने जाना है, और अभी टाइम हो रहा है 1:45, 2 बजे मुझे कॉल आने वाली मेरे दोस्त की, मतलब साथ में क्लासमेट की, तो निकलेंगे अपने यहाँ से। जो भी सीन है देखेंगे या फिर बुलबुल पे चलेंगे, आज जो भी सीन देखेंगे, तो पहले खाना खाते हैं गाइस, फिर आपसे बातें करते हैं। तो गाइस, मिलो हमारे डायरेक्टर साहब से, बिरयानी खा लो विद बिरयानी के साथ, और बड़ी गौर से बिरयानी को देख रहा, ताऊ की देख रहे हो जैसे, क्या बोल रहा है उसे, भूखा कुत्ता, भूखा कुत्ता, हड्डी हड्डी, हाँ वाले जी ने, इसके मुंह में निरा पानी भरा पड़ा, इधर को देख, हड्डी है, पानी से जमी भरेगा, हड्डी होगी, हड्डी है, चावलों को हड्डी कहना हमारी लैंग्वेज में है ना, तो गलत, तो ये बेइज्जती करते हुए हमारी, क्योंकि हम पे पैसे ले लिए तो भी हंस रहे, देख रहे हो ये हमारी ऐसी जगह बेइज्जती करते हुए, और इसको बोलते हैं आज बाय बाय, देखे कितना प्यारा मासूम सा बालक है, बालक ना बालक ना ही ब्याह भरा। तो भाई हमारे यहाँ पेट्रोल डलवाना है, ये भाई सब बता, ये है भाई साहब नौकर, भाई साहब इनका चैनल का पेट्रोल डलवाया, गरीब है भैया, जिंदगी रोक ले भाई, पेट्रोल डलवा लिया है, इसका नाम रखेंगे क्या है, रुखसार, भूसा, अच्छा इसका नाम रखेंगे भूसा, हमको लगा रुखसार, तो इसका नाम भूसा रख दिया है, उसका कन्वर्ट करके इसका है हमारे पास में, एक टेम्पो भी है रेड, फुल रेड, आज तक हमने उसे ब्लॉग में थोड़ी ली, तो भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपनी लैम्बो को लेकर निकलेंगे इस वाले रोड पर। और अभी भाई वसीम को छोड़ कर आते हैं कहाँ, दिल्ली, दिल्ली नहीं है यानी अकेला, चिराग, चिराग दिल्ली, जिंदगी में पहले पहले नाम सुनने हैं भैया, पता ना कैसी कैसी जगह रह रहे जाके, चिराग दिल्ली। तो भाई साहब, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में, दिल्ली रह रहे क्या, चिराग सा होगा जो भी सीन है, अभी फोन पर फोन आ रहे हैं कहाँ से, कोचिंग सेंटर से, पहले कोचिंग सेंटर चलते हैं मतलब ये क्या बदतमीज़ है भाई, मतलब दुनिया निकल जाए इनके से, यूँ निकल गए इनके से, अगर हम मर मरा जाते उसका जिम्मेदार आदमी कौन होता भाई, वसीम बताओ, तुम्हारी है, मैं पिच रोड पहुँची, बिल्कुल गलती मेरी नहीं है भाई, अभी वसीम को बोल दिया है बाय बाय, और अभी हम खुद को बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ जा रहे सीधा घर, जो भी सीन है निकलते हैं यहाँ से आराम आराम। कोचिंग सेंटर का क्या हुआ, कोचिंग सेंटर को बोल दिया कि संडे में आना है, नहीं संडे की 9 से 9:30 तक मतलब आने आना है, तभी जाकर पता चलेगी कि हमारे जो सीट, हमारे नसीब में सीट है या नहीं है, बस अल्लाह करे हमारे नसीब में सीट होनी चाहिए। और ये देख रहे हो
अब नसीब में सीट होगी तो हमें मिलकर रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, पर जो भी सीट है बस चलते हैं यहाँ से आराम आराम गाइस घर को, फिर रास्ते में आपसे बातें करते हैं।